गुड मॉर्निंग दोस्तों, यूट्यूब चैनल में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और अभी हम जयपुर में हैं और अभी यहां से हम निकलने वाले हैं अजमेर के लिए। और आज हमारा ड्राइव का 15वां दिन है। अब हम लोग अजमेर के लिए रवाना हो रहे हैं और अभी हम लोग जो रुके थे होटल ट्रिबो इंडियाना प्राइड में, जो कि 2 स्टार रैंकिंग है, बहुत ही थ्री स्टार रैंकिंग है, बहुत ही अच्छा होटल है। और ये हमारे मोहम्मद अयाज भाई जो कि यहाँ के मैनेजर हैं, जो पूरा यहाँ का मैनेज देखते हैं। हम लोग अभी अजमेर से 30 किलोमीटर पहले हैं। थोड़ा थोड़ा सा ये एहसास होने लगा है कि हम सिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। दोपहर के बज गए हैं 2 और हम पहुंच गए अजमेर सिटी में। यहां से दरगाह शरीफ का शायद 4-5 किलोमीटर होना चाहिए। अभी स्टार्टिंग का ये एरिया है और सबसे पहले तो हम जाके पार्किंग देखेंगे कि गाड़ी हमारी सेफ कहां पर रहेगी, क्योंकि गाड़ी की सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दरगाह के आसपास इतना ओपन एरिया नहीं है कि हम गाड़ी वहां पर खड़ा कर सकें। जो बंदिशें थी जमाने की तोड़ आया हूँ मैं तेरे वास्ते, दुनिया को छोड़ आया हूँ, आया तेरे सर पर दीवाना। हम अजमेर से निकल चुके हैं और अभी जयपुर भी क्रॉस कर चुके हैं और अभी आगरा की तरफ हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। वैसे पहले हम लोगों को फतेहपुर जाना है और उसके बाद फिर हम लोग थोड़ी देर के लिए आगरा भी जाएंगे, और कहाँ स्टे करना है ये तो वक्त ही बताएगा। डेढ़ और हम पहुंच गए हैं फतेहपुर सीकरी। सुबह निकले थे अजमेर से लगभग 8 बजे और जयपुर में फिर एक ट्रेजिडी हुई थी, वही पुलिस वाला मामला। कैरियर लगाने की वजह से हमने अभी फिर से हम लोगों को 500 रुपए का फाइन देना पड़ा।
YouTube चैनल। दोस्तों मैं अभी अजमेर से निकल कर लगभग अभी 1:30 बज रहा है और हम यहाँ फतेहपुर सीकरी पहुँच चुके हैं। जल्दी से यहाँ फातिहा पढ़ना है, उसके बाद फिर यहाँ से ये लोग शायद जाएंगे जोधा अकबर के महल घूमने के लिए, पर मैं सीधे जाऊँगा गाड़ी के पास जाके आराम करूँगा। और उसके बाद ये लोग जैसे ही आ जाएंगे फिर इनको लेके जाना है मुझे आगरा, आगरा के ओहो आगरा में जाने के बाद फटाफट इन लोगों को वहाँ पे ये लोग ताजमहल घूमने चले जाएंगे और मैं वहाँ से फिर गाड़ी में रेस्ट करूँगा और उसके बाद फिर कोई होटल लेंगे और होटल लेके स्टे करेंगे। फतेहपुर सीकरी अगर टू व्हीलर से आते हैं तो टू व्हीलर आप ऊपर तक बुलंद गेट तक लेके जा सकते हैं, बट अगर आप अपनी फोर व्हीलर से आते हैं तो फोर व्हीलर को आपको लाके अपने पार्किंग पे ही लगाना है। और अगर कोई गाइड पकड़ेंगे तो आप अपनी गाड़ी ऊपर लेके जा सकते हैं। वैसे हम लोग कोई गाइड नहीं पकड़े क्योंकि हम लोगों को बस जल्दी जल्दी यहाँ पे एक्सप्लोर करना था, घूमना था और उसके बाद जाना था। तो मैं जा रहा हूँ अपनी गाड़ी के पास और मामा लोग अभी जोधा अकबर का महल घूमने गए हैं और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से ताजमहल जाएंगे। दोस्तों घोड़े गाड़ी में बैठने का भी मजा एक अपना होता है और इसका भी एंजॉय लाइफ में करना चाहिए। अभी हम लोग पहुँचे हैं झांसी के आसपास ही, यहाँ हाईवे के किनारे पे रेस्टोरेंट पे रुके हैं खाना खाने के लिए और लगभग अभी 10:30 मान लीजिए 10:30 हो गया है। और अब यहाँ से कितना देर अब गाड़ी चला पाएंगे ये मैं भी बता नहीं सकता, देखते हैं। वैसे मैं फुल्ली सोया हूँ, मामा लोग जब ताजमहल देखने के लिए गए हुए थे तब मैं अच्छे से सो लिया हूँ, बहुत अच्छे से आराम कर लिया हूँ। तो जितना देर बॉडी सर्वाइव कर पाएगी, ड्राइव कर पाऊँगा उतना देर ड्राइव करूँगा, वरना किसी ना किसी होटल पर जाके गाड़ी टिका दूँगा। उसके बाद हम फिर नेक्स्ट डे अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह हम कल शाम तक अपने बिलासपुर पहुंच जाएंगे। फिलहाल ढाबे का आप लोगों को मुआयना करा देता हूं। अच्छा है, देखने में तो अच्छा लग रहा है पर टेस्ट कितना अच्छा होगा ये अभी बता नहीं सकते, खाना खाने के बाद ही पता चलेगा। पर यार ढाबे वालों को एक काम और करना चाहिए, यहाँ पर देख लो खाने के लिए अंदर तो टेबल वगैरह लगी हुई है और यहाँ पर ये तख्त वगैरह लगा हुआ है, अगर साथ में एक आध खटिया डाल देते तो कम से कम थोड़ी सी कमर सीधी कर लेते। आप लोग क्या कहते हो? मेरे हिसाब से होना चाहिए कि कम से कम ढाबे में एक आध खटिया, एक दो चार खटिया होना चाहिए जिससे कि कम से कम लोग अपने कमर को सीधा कर सकें। तो वैसे मैं इन ढाबे वाले को ये बात कह दूँगा कि एडवाइस दे दूँगा कि भाई कम से कम इस चीज़ का ख्याल रखो आप लोग। दोस्तों लगभग 1:30 बज चुका है और हम अभी डिस्ट्रिक्ट झांसी में ही बड़ौदा चौराहा कुछ बोलते हैं इस एरिया को, हाईवे के किनारे पे है एक होटल विथ रेस्टोरेंट मिल गया हमको, तो रूम बड़े अच्छे मिल गए तो इसलिए अब स्टे अभी कर लेते हैं। आज तक के लिए इतना बहुत है, गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, गुड मॉर्निंग। दोस्तों वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल और अभी सुबह के बज गए हैं 8 और हम लोग अब यहाँ से थोड़ी देर के अंदर निकलने वाले हैं बिलासपुर के लिए। थोड़ी थोड़ी सी धीमी धीमे बारिश हो रही है, आई होप कि आगे हमें बारिश ना मिले, पर अभी तो यहाँ पे मिल रही है बारिश। और आज यार किसी भी हालत में आज शाम तक रात तक घर पहुँचना है। वैसे मैं कोई हड़बड़ी नहीं करूँगा, अच्छा हिसाब से ड्राइव करूँगा ताकि किसी तरीके की कोई दिक्कत या परेशानी ना हो।
अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए। में रुके हुए हैं, नमाज पढ़ने के लिए रुके थे और नमाज पढ़ चुके हैं। हम लोग लगभग 3.5 घंटे में 350 किलोमीटर की ड्राइव कर कर आए हैं और अभी बज रहा है 2। अब हम लोग जा रहे हैं खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद फिर यहाँ से लगभग रात के 10 बज सकते हैं शायद बिलासपुर पहुँचने में हम लोगों को, तो देखते हैं कितने देर में हम लोग पहुँच पाएंगे। मैं अभी पहुंचा हूं तुरंत, अभी 9:30 बज रहा है और लगभग मान के चलो कि मामा के घर में मुझे अभी 30 मिनट हो गया उनका सामान वगैरह खाली करने में। दोस्तों बहुत बड़ी बात है कि हमने इतना बड़ा सफ़र 17 दिन में पूरा कंप्लीट किया और उसके बाद फिर सबसे अच्छी बात यह है कि सेफली हम लोगों ने पूरा का पूरा सफ़र हम लोगों ने कंप्लीट किया है। तो आप लोगों से बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि कभी भी ड्राइव करें तो सीट बेल्ट लगा के करें और बाइक चलाएँ तो हेलमेट लगा के करें। तो आज के लिए इतना ही है, अब मैं चलता हूँ अपने बच्चों के पास अपने घर।